Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and today we are beginning with exercise 2.4 of polynomials. So, chaliye start karte hain. First question, use suitable identities to find the following products. First one, x plus 4 into x plus 10. So, in questions ko solve karne ke liye, hame identities use karni hai jo humne pehle padhi hui hai. Okay, to dekhiye yahan pe kya hai? X plus a और यहाँ पे x प्लस बी है, ठीक है. तो क्योंकि x तो सेम ही है वेरिएबल और a और b की वैल्यू अलग है, तो यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, x स्क्वायर प्लस x इंटू ए प्लस बी प्लस a इंटू बी. ओके, नाउ सी a की वैल्यू है 4 एंड b की वैल्यू है 10, ठीक है. तो हमें यहाँ पे पुट कर देनी है, x स्क्वायर प्लस x तो x ही है, a प्लस बी 4 प्लस 10 प्लस 4 इंटू 10. सो x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 इज 14, इट बिकम्स 14x प्लस 10 इंटू 4 इज 40. तो ये हमारे पास इक्वेशन आई. सेकेंड वन, x प्लस 8 x माइनस 10, सेम यही वाली आइडेंटिटी हमें यूज करनी है. तो यहाँ पे a की वैल्यू है 8 एंड b की वैल्यू है माइनस 10, बाकी सेम है. तो देखिए यही वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी, दैट इज 8 माइनस 10, प्लस माइनस में से माइनस आता है तो 1 माइनस 10 प्लस 8 इंटू माइनस 10, राइट. सो एक्स स्क्वायर 8 माइनस 10 इज माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस 2x बन जाएगा और ये माइनस 10 इंटू 8 इज माइनस 80, तो इट बिकम्स माइनस 80. सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज इक्वेशंस. नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है, 3x प्लस 4 3x माइनस 5, सेम आइडेंटिटी हमारे पास यूज होगी, बट यहाँ पे x की वैल्यू है 3x और a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है माइनस 5. तो फॉर्मूला था x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x इंटू a प्लस b प्लस ए बी, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज, x की वैल्यू है 3x का स्क्वायर प्लस एक्स, ए प्लस बी इज 4 माइनस 5 प्लस ए की वैल्यू 4, बी की माइनस 5. तो 3x का स्क्वायर इज 9x स्क्वायर, 4 माइनस 5 इज माइनस 1, सो माइनस 1 इंटू एक्स इज माइनस एक्स, 4 इंटू माइनस 5 इज माइनस 20. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन. यहाँ पे देखिए y स्क्वायर प्लस 3 बाई टू, वाई स्क्वायर माइनस 3 बाई टू. तो यहाँ पे देखिए हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, x प्लस a x माइनस a. अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू सेम है ना, और ये वाला भी सेम है, तो x प्लस a x माइनस a, दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, राइट. तो ये वाला फॉर्मूला हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, तो वही हमें यूज करना है, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है वाई वाई स्क्वायर एंड ए की वैल्यू है 3/2, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए हम पुट करेंगे वैल्यूज, एक्स स्क्वायर इज वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए इज 3/2 का स्क्वायर, सो वाई की 4 माइनस 9/4, ठीक है. नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, यही वाली आइडेंटिटी यूज होएगी, ठीक है. यहाँ पे देखिए ए की x की वैल्यू है 3 एंड a की वैल्यू है 2x, राइट. तो लेट्स पुट द वैल्यूज इन द आइडेंटिटी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट बिकम्स 3 का स्क्वायर माइनस ए इज 2x का स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर, राइट. सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज इक्वेशंस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.